नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ 3 शब्द विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और जब इस छोटी सी इकाई यानी हमारे जो वर्ण हैं, हम एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर जब हम लिखते हैं तो ये हमारे क्या बन जाता है, शब्द। शब्द दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं या वो हमारा शब्द कहलाता है। जैसे घा प्लस आ प्लस रा प्लस आ इज इक्वल टू घर, क्या बन गया? जब हमने घा प्लस आ प्लस रा प्लस आ को मिला दिया, एक साथ मिलाकर लिखा, तो क्या बन गया हमारा, घर। ऐसे ही मा प्लस ओ प्लस टा प्लस आ प्लस रा प्लस आ इज इक्वल टू, इतने सारे वर्ण मिलकर हमारा क्या बन गया, शब्द, मोटर। हमारे दोनों ही शब्द के कुछ ना कुछ अर्थ हैं। घर मतलब मकान जिसमें आप रहते हैं, आपका निवास स्थान। मोटर मतलब चलाने वाली मोटर। तो हमारे दोनों ही शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। तो हमने आपको बताया कि जो भी हम वर्णों को मिलाकर लिखते हैं लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हमारे दोनों ही शब्दों का अर्थ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शब्द। अब है हमारा शब्द भंडार। भाषा में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को हम शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण को कितने आधार पर किया जाता है, दो प्रकार, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आता है हमारा नंबर 1, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है, यानी उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। जो भी हमारे लिंग वचन पुरुष कारक हैं उनके आधार पर जो बदलाव आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा, आपको जैसे पता है किसी भी व्यक्ति प्राणी स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम। संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आता है हमारा क्रिया। तो जिन शब्दों से हमें किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो बच्चों ये चारों ही टॉपिक जो दिए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये आपकी व्याकरण बुक में पाठ है। आपको पाठ के माध्यम में इन चारों विषयों पर बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको समझाया जाएगा। अब आता है अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण संबंध बोधक योजक विस्मयादि बोधक, ये भी आपके पाठ दिए गए हैं। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा। अब आपका आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर
के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भी आपके दो भेद, होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द और नंबर दो निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर भी आपके शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर एक सार्थक शब्द और नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, पुस्तक, मेज, किताब आदि आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थात बेकार है, तो उसे कहते हैं हम निरर्थक शब्द। जैसे चाय वाय, लोटा ओटा, खाना वाना आदि। ऊपर लिखे शब्दों में वाय, ओटा और बाना का कोई भी अर्थ नहीं होता है, अतः ये सभी शब्द जो हैं वो निरर्थक शब्द हैं। तो बच्चों, आपको शब्द विचार पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालिए पाठ 11 पेज नंबर 42। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। बच्चों, किसी भी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची मतलब उसी शब्द का उसी के समान एक से अधिक अर्थ, अर्थात पर्यायवाची शब्द। और समानार्थी शब्द में उसी शब्द का उसी के समान एक अर्थ लिखना, अर्थात उसी के जैसा एक और अर्थ लिखना, अर्थात समान, उसी के समान अर्थ वाला समानार्थी शब्द कहलाता है। तो यहाँ आपके कुछ नीचे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, मैं आपको पढ़कर सुना रही, आप भी पेज नंबर 42 निकालकर मेरे साथ पढ़िए, बोलिए। आकाश नभ, व्योम गगन आसमान, धरती पृथ्वी भूमि धरा वसुधा, ईश्वर भगवान परमात्मा प्रभु जगदीश, राजा नृप नरेश भूप भूपति, मित्र साथी सखा सहचर दोस्त, देवता देव सुर अमर विबुध, चंद्रमा चांद शशि राकेश मयंक, पेड़ तरु विटप वृक्ष द्रुम, गंगा देवनदी सुरसरी मंदाकिनी भागीरथी, घर भवन आलय सदन निकेतन, सर्प सांप भुजंग विषधर पनंग, अमृत सोम सुधा पीयूष अमी। बच्चों, ये जो मैंने आपको 1 से लेके 12 तक, यानी आकाश से लेके अमृत तक आपको पर्यायवाची शब्द पढ़कर सुनाए, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे,
लिखेंगे और याद करेंगे फर्स्ट टर्म में, आपको आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें आपको एक से लेके 12 तक ही लिखना है और याद करना है। आपका अगला कमल से लेके नदी तक, ये आपके फाइनल टर्म में आएंगे। तो आप इन एक से लेके 12 तक के जो भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं इनको बार बार रफ कॉपी पर लिखकर अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। हमारे आज के जो भी पाठ हमने आपको पढ़ाए हैं उनकी जो अभ्यास है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।